बागेश्वर धाम यदि आपको जाना है ना, तो इसके लिए देखो सेंटर में पड़ता है बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के दोनों तरफ पड़ता है छत्रपुर जी आता है एक तो सिटी, एक आती है खजुराहो रेलवे स्टेशन। खजुराहो ज़्यादा स्पेशल है रेलवे स्टेशन के बजाय, छत्रपुर रेलवे स्टेशन के बजाय। अगर आप खजुराहो आ गए ना, तो मान लीजिए हो गया काम। खजुराहो के लिए ट्रेन है इंडिया में कहीं से भी मिल जाएगी, जयपुर दिल्ली कोलकाता बॉम्बे हर जगह के लिए ट्रेन है। खजुराहो रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का, जहाँ खजुराहो के टेंपल भी प्रसिद्ध है अगर आप जानते हो तो। जैसे ही आप खजुराहो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो टेम्पो वाले आपको खुद ही बोल देंगे बागेश्वर धाम जाना है आपको। वो 50 से 70 रुपया सवारी लेते हैं एक सवारी के, और वो सीधा मंदिर छोड़ देंगे। और ऐसे ही रिटर्न बैग भी आप मंदिर से आ सकते हो, वही 50-60 रुपये में मंदिर से आ सकते हो और खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हो। खजुराहो से फिर आपको उसी हिसाब से ट्रेन मिलेगी बॉम्बे कोलकाता पूना के लिए, जयपुर के लिए ट्रेन डिले रहेगी पर मिल जाएगी आपको ट्रेन। वो कॉल करके आपको पूछना होगा, या फिर अर्जी ऑफिस में आप जो मंदिर के बाहर अर्जी कार्यालय है वहाँ पर आप पूछ सकते हो एक बार कि यहाँ पर ट्रेन कितने बजे यहाँ के लिए मिलेगी, तो सारी सुविधा वहाँ दी गई है। पर सबसे बेस्ट है कि आप खजुराहो रेलवे स्टेशन आओ पहले, अगर आपको इस मंदिर आना है तो। अगर बस या गाड़ी से आ रहे हो तो वो तो आपकी पर्सनल बात है, ट्रेन से आ रहे हो तो खजुराहो रेलवे स्टेशन इज़ द बेस्ट। अगर बस कार आप लेके आ रहे हो तो फिर आपका ड्राइवर जानता ही है कहाँ से आना है, वो तो गूगल मैप से आएगा ही। पर जो अगर सिंपल ट्रैवलर है जिनके पास गाड़ी ही नहीं है, उनके लिए बेस्ट है खजुराहो रेलवे स्टेशन। ऐसी बात नहीं कि छत्रपुर बस स्टैंड जो पुराना बस स्टैंड है छत्रपुर का, जो प्राइवेट बस स्टैंड रोडवेज दोनों मिक्सअप है, वहाँ भी आ सकते हो आप। वहाँ आते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से भी वो सेम पैटर्न पड़ेगा टेम्पो का, वही किराया रहेगा। और खजुराहो ज़्यादा फेमस बन गया है क्योंकि वहाँ आप सर्विस भी ले पाओगे, खाना पीना रिलैक्स भी कर सकते हो, आप सो भी सकते हो और चाय पानी भी ले सकते हो और नहा भी सकते हो। फ्री नहाना है, फ्री वॉशरूम है, टॉयलेट भी फ्री है, कपड़े भी धो सकते हो वहाँ पर, केवल खाना आपको खरीद कर खाना पड़ेगा। और बागेश्वर धाम में तो फ्री है ही अन्नपूर्णा खाना। इस तरह आप खजुराहो रेलवे स्टेशन फिक्सली आ सके और जा सके। बागेश्वर धाम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला मंदिर बन गया है अभी। हनुमान की बहुत बड़ी भक्ति की है इस बंदे ने, क्या किया है जो भी, पर ये सक्सेस है। मैं 2 बार जा चुका हूँ, ये सक्सेस है मंदिर। ऐसे में कभी कोई टेंपल ट्रैवल करता नहीं, पर वहाँ जाकर देखा तो ये पाया गया कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। एक बार आप जब ट्रैवल ज़रूर करें, ये आपकी रिक्वेस्ट है मेरे से। सस्ता ट्रैवल पड़ता है, लोकल ट्रेनें हैं, खूब आराम से आ सकते हो आप। 300-400 रुपये में आप आ सकते हो, 400 रुपये मतलब 800 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हो। नॉर्मल ट्रैवलिंग 1000 रुपये मानी है मैंने। इंडिया में आप कहीं से भी आओ, आ और जा, खाना अलग रहेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इच्छा है आपकी, उचित लगता है वीडियो, तो नहीं करना है तो मत करो। थैंक यू, धन्यवाद।